Good morning students, welcome you all in your EVS class, hope you all are good and fine. Student, today we will continue with the same chapter, chapter number 8, Plants and Animals Need Water. In previous video, we have discussed how plants use water for making their own food. After that, we have discussed about germination of seeds. And then we have also studied about aquatic plants. Now, in today's class, we will study animals need water. आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जो अपना ज़्यादातर समय वाटर में बिताते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो बहुत कम पानी यूज़ करके भी ज़िंदा रह सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. एनिमल नीड वाटर, जो एनिमल्स होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है. एनिमल ऑल्सो नीड वाटर, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है. जैसे हम लोगों को ज़रूरत होती है, प्लांट्स को ज़रूरत होती है, इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, ज़ेब्रा एंड एलिफेंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स. जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, मतलब जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो जैसे कि टाइगर, ज़ेब्रा और एलिफेंट, ये लोग कहाँ से पानी पीते हैं? ये लोग पॉन्ड से, रिवर से और लेक से पानी पीते हैं, क्योंकि ये तो पेट एनिमल्स हैं नहीं, तो इनको तो कोई खाना पानी देगा नहीं. इनको अपने खाने की, रहने की, हर चीज़ की जो भी नेसेसिटी होती है खुद ही फुलफ़िल करनी होती है. तो जो ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये पानी कहाँ से पीते हैं? पॉन्ड से, रिवर से और लेक से. एनिमल ऑल्सो बाथ इन वाटर, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पानी का इस्तेमाल करके बाथ भी करते हैं, नहाते भी हैं, ठीक है. जैसे एलिफेंट है, उसको पानी में रहना बहुत ज़रूरी है और वो अपने ट्रंक का यूज़ करके, अपने सूंड का यूज़ करके हमेशा, आप जब भी एनिमल एलिफेंट को देखोगे, वो मैक्सिमम टाइम पानी में रहना पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है. You might have seen an elephant in a pond. आप लोगों ने शायद देखा हो कोई एलिफेंट को पॉन्ड में. It showers water on its body with its trunk. और वो अपने बॉडी को शावर करता है, नहाता है. कैसे नहाता है? With the use of its trunk. वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करके, ठीक है. उसको अच्छा लगता है, जो एलिफेंट होते हैं ना, उनको अच्छा लगता है कीचड़ में रहना, मड में रहना, पानी में रहना, ऐसी जगहों पर रहना जो एलिफेंट्स को अच्छा लगता है. Water is home to animals like fish, whale and octopus. जो पानी होता है ना, वो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका घर भी होता है, जैसे फिश हो गई, वेल हो गए, ऑक्टोपस हो गए. ये सब क्या है? ऐसे जानवर हैं जिनका जो घर होता है वहाँ कहाँ पर होता है? वो पानी में होता है. एनिमल लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. और ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, ऐसे जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में दो एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि थे वाटर हाइसिंथ एंड लोटस. ये दोनों कैसे प्लांट्स हैं? ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में ही ग्रो करते हैं, लिव करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक लिटिल नीड ऑफ वाटर. अब हम लोग ऐसे एनिमल्स के और ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, मीन्स वो कम पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं, कम पानी पी के या कम पानी ऑब्जर्व करके वो ज़िंदा रह सकते हैं. We know that all plants and animal need water. हम सभी को पता है कि जो plants होते हैं, जो animals होते हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है. हम लोगों ने previous video में discuss किया था कि अगर कोई भी living being है, जैसे human हो गए, plants हो गए, जो जिंदा रह सकते हैं, तो वो ज़िंदा रहने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है. But they do not need an equal amount of water.
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब प्लांट्स और सब एनिमल्स को एक ही अमाउंट का पानी ज़रूरी है. मे बी कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे कि जो कम पानी पी के भी ज़िंदा रह सकते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. सेम प्लांट्स के साथ भी होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कम पानी के साथ भी ज़िंदा रह सकते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. सम प्लांट्स एंड एनिमल नीड मोर वाटर वेयर एज सम नीड लेस. अभी मैंने आपको बताया कि सब प्लांट्स और एनिमल्स की जो कैपेसिटी है वाटर के लिए वो अलग अलग है, कुछ को ज़्यादा चाहिए होता है और कुछ को कम चाहिए होता है. एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर द मोस्ट. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे एनिमल्स होते हैं जिनके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वाटर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा उनको पानी चाहिए होता है जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना वो पानी में ही रहते हैं, तो इसीलिए उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एट ऑल. वो पानी के बिना तो ज़िंदा रह ही नहीं सकते. अब एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे आप लोटस का एग्जांपल ले लो, लोटस को आपने जब भी देखा होगा वो पानी में ही निकलता है, ठीक है. अगर आप ये कोशिश भी करो कि उसको कहीं ग्राउंड में या कहीं पॉट में कहीं पे हम ग्रो करें तो वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि वो एक एक्वेटिक प्लांट है, उसको पानी की ज़रूरत है और जहाँ पर उसको पानी सफिशेंट अमाउंट में मिलेगा वो वहीं पर ग्रो करेगा. Do you know that some plants and animal need little water? लेकिन क्या आपको पता है कुछ plants और animals ऐसे हैं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है. Such plants and animal live in places where very little water is found. और ऐसे plants और animals हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है. For example, cactus, date palm, snake desert, डेजर्ट रैट, कैमल. और ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे उदाहरण कौन कौन से हैं? कैक्टस का प्लांट है, डेट पाम का प्लांट है, डेजर्ट स्नेक जो रेगिस्तान के सांप होते हैं, डेजर्ट रैट चूहे जो रेगिस्तान के चूहे होते हैं, कैमल, ऊट. ये सारे क्या क्या हैं? एग्जांपल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं. Let us take a look at some of them. अब हम लोग कुछ ऐसे ही plants और animals के बारे में पढ़ेंगे. Cactus. अब हम लोग cactus के बारे में पढ़ेंगे. The cactus plant is found in desert where water is available and the soil is very dry. ठीक है, जो cactus plant होते हैं वो कहाँ पे मिलता है? वो desert में मिलता है. Desert मतलब रेगिस्तान में, ठीक है. और रेगिस्तान है तो जाहिर सी बात है वहाँ पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, वो कम होती है. पानी वहाँ पे कम होता है और साथ ही में क्या होता है, जो वहाँ की सॉइल होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो ड्राई होती है, ठीक है. वहाँ अगर आप राजस्थान साइड में जाओगे तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेजर्ट राजस्थान है, ठीक है. वहाँ पे अगर आप कभी जाओगे आप इजीली देख सकते हैं वहाँ पे कैक्टस प्लांट. वहाँ पे पानी बहुत कम अवेलेबल होता है और वहाँ पे जो मिट्टी है वो भी ड्राई होती है, ठीक है. वहाँ पे रेत ज़्यादा मिलती है. द लीव्स इन द कैक्टस प्लांट हैव कन्वर्टेड इंटू स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. और इसी की वजह से जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, कैक्टस प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइंस में. स्पाइंस मतलब अपने जब कैक्टस प्लांट का पौधा देखेंगे ना तो उसके जो आउटर लेयर होती है, जो बाहर की परत होती है, वहाँ पे आपको काटे काटे जैसे दिखेंगे, ठीक है. ये किस लिए होते हैं? ताकि जो कैक्टस प्लांट में पानी है वो बचा रहे, ज़्यादा पानी खर्च ना हो, लॉस जो पानी का लॉस हो वो कम हो. इसीलिए जो उसके लीव्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन में, ठीक है. कांटे जो होते हैं उसको स्पाइन बोलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैमल. कैमल आर फाउंड इन डेजर्ट. जो कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? डेजर्ट में मिलते हैं. आप ईजिली डेजर्ट में जाओगे तो आपको कैमल्स देखने को मिल जाएंगे. दे स्टोर फूड इन देयर हम्प. और ये अपना खाना कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? अपने हम्प में. हम्प मतलब इनकी पीठ पे, आपने देखा होगा ऐसा होता है, ठीक है. ऊँट पीठ पे थोड़ा ऐसे
ऐसे उठा सा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको कुबड़ा बोलते हैं, ठीक है। हम पीठ इसकी थोड़ी निकली होती है, तो ये क्या करता है, अपना जो खाना है वो यही अपने हम्प में स्टोर करके रखता है। डेजर्ट रैट एंड डेजर्ट स्नेक ऑल्सो नीड वेरी लिटिल वाटर। कैमल तो एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में मिलता है, जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और वो कम पानी में सर्वाइव कर सकता है। उसके अलावा जो डेजर्ट रैट और डेजर्ट स्नेक होते हैं, सांप और चूहे, वो भी ऐसे जानवर हैं जो बहुत कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी आप इजीली डेजर्ट एरिया में फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इंडिया की बात करें तो आप राजस्थान जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर आज भी पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है अपनी जिंदगी के लिए। टू लिव फॉर और टू सर्वाइव दे नीड वेरी लिटिल वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी हैव डन विद द एंटायर चैप्टर। इन केस यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू द चैप्टर और द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, यू कैन आस्क मी।